आजे कोई इनी पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। उनकी कुछ परेशानियां थी, कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाना भाई। तो उनकी बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा गुरुदेव, डॉक्टर ने इतना सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माता जी ने कुछ उपाय भगवान शंकर के कुंद कैश्वर महादेव के करे और कहा, तीन चार दिन से कथा सुन रहे हैं और गुरु जी बोल रहे हैं तीन महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने फिर से श्री महापुराण की कथा सुनी है तो आज जांच करा दिया, सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हों तो जरूर हाथ हिलाना भाई। हो तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाया कि गुरुजी ये सारी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कह दिया था पहले जब रिपोर्ट जांच करी थी कि ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा रोग है और ये चीज है। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरी माता के कहने पर मैंने जांच कराई, सब रिपोर्ट अच्छी आ गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। अब बाबा पर विश्वास करते हो तो बाबा आपका साथ। शिव कृपा करता है, ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे। अगर आपका विश्वास प्रबल है, जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा, कुंदकेश्वर महादेव संभाल।